हेलो स्टूडेंट्स मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर लास्ट क्लास में हमने नॉर्मन क्लैचर कंप्लीट किया था और नॉर्मन क्लैचर से क्वेश्चन 100 परसेंट पेपर में आता है दोनों ही फॉर्मेट हमने पढ़े थे और एग्जाम में भी किसी भी फॉर्मेट में से क्वेश्चन आता ही आता है मतलब फिक्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक क्वेश्चन नॉमन से और आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो हम दो बची हुई थ्योरीज पढ़ेंगे कौन कौन सी थ्योरीज है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसे हम बीबीटी भी बोलते हैं और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जिसे हम सी के नाम से बोलते हैं तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पहले पढ़ेंगे और ये जो थ्योरी है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलेगी और ये थ्योरी की खास बात है कि ये थ्योरी थ्योरी किसने थी? भाई बैलेंस बॉन्ड को दिया था हिटलर ने और इसने क्या बोला था भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जितने भी हमारे पास होंगे वो सब एक स्पेक्ट्रियल अरेंजमेंट में अरेंज होंगे उनके पास एक फिक्स्ड ज्योमेट्री होगी तो फिक्स ज्योमेट्री होगी इसका मतलब दे आल्सो हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन अब hybridization क्या होता है मतलब दे ऑल एलिमेंट्स हैव डी ऑर्बिटल्स ऑर्बिटर्स ऑर्बिटल्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्बिटल्स जिन सबकी एनर्जी क्या होगी सेम एनर्जी पे सब लाइक करेंगे तभी तो सब एक परफेक्ट अरेंजमेंट बना पाएंगे तो ये सारी बात हमें किसने बोली थी भाई हिटलर ने बोली थी अपनी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर उसने क्या बोला हर एलिमेंट के पास एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा मैग्नेटिक मोमेंट तो होगा और साथ में हो उनके पास मैग्नेटिक नेचर भी होगा मैग्नेटिक नेचर मतलब या तो वो पैरा होंगे मैग्नेट से अट्रैक्ट होते होंगे या वो डाया होंगे मतलब उनके पास मैग्नेटिक नेचर नहीं होगा कब होगा और क्यों होगा वो हम यहाँ पढ़ेंगे उनके पास कलर प्रॉपर्टीज होंगी कलर हो सकते हैं या कलर लेस भी हो सकते हैं इतनी सारी बात हमें बैलेंस पॉइंट थ्योरी के अंदर पढ़नी है तो भाई फर्स्ट में हमें पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि मैंने बोला यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में हम किसकी बात करते हैं डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स के बारे में डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स को निकालने के लिए हाइब्रिडाइजेशन सीखना है और उसको सीखने के लिए क्या करना है भाई यहां पे देखना है तो सुनो जैसे हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं एस पी डी और एफ हम सब जानते हैं एस में होता है एक ऑर्बिटल पी में होते हैं तीन ऑर्बिटल्स डी में होते हैं भाई फाइव ऑर्बिटल्स और एफ के अंदर होते हैं सेवन ऑर्बिटल्स तो एस पी डी हमें इतना ही काम है ठीक है ये हमें अभी काम नहीं आने वाला हमें क्या देखना है एस में वन पी में थ्री और डी में होते हैं फाइव ऑर्बिटल्स जो फर्स्ट डीजनरेटेड ऑर्बिटल बनता है हमारे पास वो किस से बनता है एक एस और एक पी के कॉम्बिनेशन से जिसे हम क्या बोलेंगे भाई एस पी जो दूसरा बनेगा वो बनेगा एक एस और दो पी के कॉम्बिनेशन से जिसे हम बोलेंगे एस पी टू थर्ड जो बनेगा वो बनेगा एक एस और तीन पी से जिसे हम बोलेंगे एस पी थ्री अब ट्विस्ट कहानी में क्या है जो फोर्थ वाला बनेगा वो किससे बनेगा एक डी और दो पी और वन एस से मतलब डी एस पी अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स हो सकते हैं कैसे होंगे ये हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से पढ़ेंगे ठीक है एस डी एस पी टू के बाद हम पढ़ेंगे एस पी थ्री डी एस पी थ्री डी के बाद हम यहां पढ़ेंगे एस पी थ्री डी टू और पढ़ेंगे डी टू एस पी थ्री ये सारे हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलेंगे किसका होता है कैसे होता है ये एग्जाम्पल्स में ही पढ़ेंगे अब नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़नी है वो इनकी जोमेट्रीज के बारे में पढ़नी है कि कौन सा वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सी जोमेट्री रखता है और इंपॉर्टेंट चीज़ एक और याद रखो कि जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना जैसे इसमें कितने हैं भाई टू इसमें है थ्री एक एस और दो पी इसमें कितने हैं फोर थ्री पी और वन एस इसमें कितने हैं फोर वन एस वन डी एंड टू पी इसमें कितने हैं फाइव एस पी थ्री डी इसमें कितने हैं सिक्स एस पी थ्री डी टू इसमें कितने हैं डी टू एस पी थ्री में सिक्स मतलब जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आप देख रहे हो उतने ही नंबर एलिमेंट्स या लिगेंड्स हमारे पास होने चाहिए आ रही बात समझ में एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा पर पहले एक थोड़ी सी चीज़ देख लेते हैं वो इनकी ज्योमेट्री से इंट्रोड्यूस हो लेते हैं तो भाई एस पी के साथ जो ज्योमेट्री होती है वो होती है लीनियर ज्योमेट्री कौन सी लीनियर ये दी एस पी टू के पास होती है ट्राइगोनल प्लेनर कितने एलिमेंट्स होंगे थ्री एलिमेंट्स होंगे देखो ये है ट्राइगोनल प्लेनर ये जो व्हाइट वाला पार्ट आप देख सकते हो ये यहाँ पे एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट हैं और ये बनेगा प्लेन के अंदर इसलिए इसकी ज्योमेट्री का नाम क्या है ट्राइगोनल प्लेनर नेक्स्ट है sp3 टेट्राहेड्रल भाई टेट्राहेड्रल जो है कैसा होगा 3d अरेंजमेंट होगा मतलब प्लेन में नहीं होगी ज्योमेट्री ये है हमारे पास टेट्राहेड्रल ये देखो ठीक है अब ये सारे एलिमेंट एक दूसरे से क्या होते हैं कनेक्टेड होते हैं टेट्राहेड्रल के पास dsp2 स्क्वायर प्लेनर ये किस में है भाई प्लेन के अंदर है चारों एलिमेंट्स एक प्लेन में प्रेजेंट होंगे ये चारों एलिमेंट प्रेजेंट होंगे एक प्लेन में जैसे आपकी नोटबुक है नोटबुक के चारों कॉर्नर्स पे एक एक, एक एक एलिमेंट है तो वो क्या हो गया स्क्वायर प्लेनर वैसे हमारे एलिमेंट्स अरेंज होते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई डी डी एस पी थ्री ये कौन सी होती है ट्राइगोनल बाय पैरामिटल या हम क्या बोल सकते हैं डल अगर ट्राइगोनल ट्राइगोनलिडल होगी तो यहाँ ज्योमेट्री एस पी थ्री डी भी हो सकती है ठीक है बात समझ में आई एस पी थ्री डी या डी एस पी थ्री तो ट्राइगोनल बाय पायरेमिडल हमारे पास है ये वाली ज्योमेट्री मतलब एक ट्राइंगल होगा ऐसे ऐसे और ऐसे और दो पैरामिट्स होंगे। जैसे एक ट्राइंगल आपके पास है यू और एक और एक ऊपर और नीचे उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे एक एक एलिमेंट्स एक एलिमेंट इधर एक इधर इधर और एक ट्रायंगल में तीन एलिमेंट्स होंगे तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल बाय पैरा और स्क्वायर पैरामीडल कैसा होगा जो आपकी नोटबुक है स्क्वायर प्लेन में उसके सिर्फ एक ऊपर की तरफ एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा जिससे होगा एक पैरामिट शेप फॉर्म हो जाएगी ऐसे करके जैसे यहाँ आप देख सकते हो ये चार एलिमेंट एक प्लेन में प्रेजेंट हैं और इनके ऊपर एक अलग एलिमेंट है तो इसकी वजह से यहाँ एक पिरामिड का फॉर्मेशन हो रहा है इसे हम बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्टा हेड्रल भाई ऑक्टा हेड्रल को तो सब जानते हैं जो ऑक्टा हेड्रल शेप होती है उसे हम सब जानते हैं कैसी होती है स्क्वायर प्लेनर ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक एक एलिमेंट प्रेजेंट होंगे ये पेपर में चार एलिमेंट प्रेजेंट है ठीक है यहाँ ऊपर एक एलिमेंट और नीचे भी एक एलिमेंट इस तरीके से ये बनता है ऑक्टा हाइड्रल जोमेट्री डी टू एस पी थ्री इसकी और एस पी थ्री डी टू इन दोनों की जोमेट्री सेम होती है कौन सी होती है भाई ऑक्टा तो ये सारी बात हमने किसके बारे में कर ली जोमेट्री के बारे में अब देखो इससे ज़्यादा अगर हमें समझना है तो सिर्फ एक बेस्ट तरीका जो हमारे पास है वो क्या है एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल करेंगे अच्छे से समझेंगे और फिर हम इनको सॉल्व करते जाएंगे सारे क्वेश्चन को ऐसे ही पेपर में आने वाला है ठीक है तो सबसे पहला एग्जाम्पल है एन आई सी एन का होल फोर माइनस टू पहले क्या लिख रहा है भाई आई पी एस सी नॉर्मल कर दो ये हमने सीख लिया ठीक है तो फिर करते हैं इसका यूपीएससी नॉमन क्लेचर तो क्या होगा एनआईसीएन का होल फोर पहले लिगेंड लिखे हैं कितने हैं भाई फोर टेट्रा साइनो नेगेटिव लिगेंड है ठीक है निकल अब लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो निकल का निकालना है एक्स सी एन एक नेगेटिव लिगेंड है ठीक है और कितना दे रखा है भाई माइनस टू इसके ऊपर चार्ज है कितने टाइम्स है फोर टाइम्स है तो एक्स कितना आ जाएगा टू आ जाएगा तो ये हो गया टेट्रा निकल सेकेंड ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया भाई टू आया ठीक है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितने लिगेंड से ये अटैच्ड है तो कोऑर्डिनेशन हमें दिख रहा है भाई फोर है अब इंपॉर्टेंट चीज है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है ये हम सीखेंगे अलग से NICN का एनआईसी माइनस का टू और इस स्टेट कितना आया था प्लस का टू ठीक है अब पहला काम क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखना है सेंट्रल बैटल आइटम का तो लिखे भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ठीक है निकल कितने नंबर पे आता है ट्वेंटी एट पे तो 28 के लिए क्या होगा 3d8 एंड 4s2 यहां हो गया ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हमें इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं इसमें कितने 10 लेकिन इसके ऊपर प्लस टू चार्ज है तो भाई जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे यहाँ से गायब हो जाएंगे तो ये हो गया 3d8 वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये है फोर एस टू अब एस है तो भाई पी भी हमारे पास होगा ये है फोर पी इसमें है ज़ीरो ठीक है एंड फर्दर फोर डी भी हमारे पास होगा तो थ्री डी एट है ये है फोर एस टू अब फोर एस टू है तो इसमें है प्लस टू चार्ज इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से जा चुके हैं अब क्या बचा है हमारे पास थ्री डी एट अब देखो जो साइनाइड होता है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है ये बातें अब हम करने वाले हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड क्या होता है लेकिन आप ये समझ लो एक बार साइनाइड जो है कैसा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इसका मतलब क्या होता है ये वाला जो यहाँ पे जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपस में पेयरिंग कर लेंगे तो अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक एलेक्ट, जो कॉन्फिग्रेशन होगा और इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होंगे वो कैसे अरेंज होंगे देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ऐसे अब जो खाली वाले वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं वो कौन कौन से हैं ये सारे ठीक है चलो अब साइनाइट कितने हैं मेरे पास फोर है चेक करो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है फोर है मतलब निकल को अब चार कोऑर्डिनेशन बनाने हैं मतलब चार खाली ऑर्बिटस चाहिए साइनाइट्स के लिए तो जो चार खाली ऑर्बिटस में जिसको उसको साइनाइट डालना है वो उसको खाली करने पड़ेंगे तो भाई बाकी तो खाली है हमारे पास इसने पे पेयरिंग कर ली तो एक डी वाला भी खाली हो गया तो देख लो भाई साइनाइट कहाँ कहाँ पे आएगा एक तो यहाँ पे आएगा एक यहाँ पे आएगा बाकी के दो यहाँ पे आ जाएंगे ठीक है तो किस में आया एक डी में आया एक एस में आया और दो पी में आए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया डी एस पी टू आया समझ में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखा फिर ऑक्सीडेशन स्टेट चेक किया जितने इलेक्ट्रॉन्स उड़ाने थे उड़ा दिए उसके बाद ये देखा कि कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है फोर है मतलब निकल को फोर ऑर्बिटर्स खाली चाहिए फोर ऑर्बिटर्स खाली हुए उसमें साइनेट डाला कौन कौन से फोर खाली हुए? एक D, एक डी, और दो पी हाइब्रिडाइजेशन इसका हो गया भाई डी एस पी टू अब इंपॉर्टेंट काम हमने देखा था डी एस पी टू के लिए ज्योमेट्री क्या होती है स्क्वायर प्लेनर मतलब ये चारों निकल और साइनेट की ज्योमेट्री कैसी होगी स्क्वायर प्लेन में ये सारे एलिमेंट्स अरेंज होंगे तो पहले तो हम लिख देते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या डी एस पी टू ठीक है और ये कैसी ज्योमेट्री में अरेंज है स्क्वायर प्लेनर ठीक है अब मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है मैग्नेटिक मूवमेंट के निकालने के लिए हमने यहां पे एक फॉर्मूला पढ़ा था सबसे पहले फॉर्मूला क्या था अंडर रूट एन एन प्लस टू अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये एन जो गिवन है ये क्या है तो यहां पे फॉर्मूला होता है अंडर रूट एन एन प्लस टू तो एन यहां पे है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कौन सी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स देखो अभी अभी हमने क्या निकाला इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला था ठीक है क्या यहां कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं है इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई जीरो हो गई अब अगर एन की वैल्यू जीरो है तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी कितना होगा जीरो होगा अगर मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो आता है तो मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा डाई मतलब ऐसे कंपाउंड मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करते हमारे पास दो मैग्नेटिक बिहेवियर दो मैग्नेटिक जो नेचर होते हैं पहला होता है पैरा मैग्नेटिक दूसरा होता है डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक देखो इसको लिख देती हूं मैं पैरा मैग्नेटिक जो हमारे पास होता है पैरा मैग्नेटिक और डाई मैग्नेटिक तो जो पैरा मैग्नेटिक है इसका मतलब क्या है उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के पास क्या है मैग्नेटिक नेचर प्रेजेंट है कैसा है कंपाउंड मैग्नेटिक है और अगर डायमैग्नेटिक अगर हमारा नेचर आता है इसका मतलब वहां पे जो हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसका नेचर कैसा आया नॉन मैग्नेटिक मतलब उसके पास कोई भी मैग्नेटिक नेचर जो है प्रेजेंट नहीं है मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कब होगा जब यहाँ एन की वैल्यू क्या होगी एन की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा जब एन की वैल्यू किसके बराबर होगी जीरो के बराबर और एन यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अब साथ के साथ एक और चीज देख लो अगर कंपाउंड कैसा है भाई डायमैग्नेटिक है तो ये होगा कलरलेस अगर कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है तो इसके पास होगा कोई ना कोई कलर इतनी चीज़ें क्लियर है मतलब सब कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट पे डिपेंड है अगर मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ आता है तो पैरा मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा और कंपाउंड के पास कोई ना कोई कलर होगा और अगर डायमैग्नेटिक आया इसका मतलब एन की वैल्यू जीरो है मैग्नेटिक मूवमेंट ज़ीरो है मतलब कंपाउंड इज कलरलेस उसके पास कोई कलर प्रेजेंट नहीं है अब जैसे हमने यहां पे इतनी सारी चीजें सीख ली अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं और उसमें सारी चीजें अप्लाई करके लगाते हैं देखो, NAC, का, अब जैसे हमने यहां सारी चीजें सीखी हाइब्रिडाइजेशन, जो जोमेट्री निकालना अनपेड या पेयर्ड उसके बाद कलर मैग्नेटिक बिहेवियर और मैग्नेटिक मूवमेंट वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं हमने कहां तक इसको सीख लिया एन आई सी एल फोर का माइनस टू चलो शुरू हो जाते हैं आई पी एस सी सबसे पहले लिखना है लिगैंड कितने हैं भाई फोर टेट्राक्लोरो क्लोरिडो कुछ भी बोल सकते हैं क्लोरिडो निकल अब निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट तो देखो भाई x क्लोरीन पे क्या होता है माइनस वन चार्ज ठीक है कितने हैं फोर क्लोरिन टू माइनस टू मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस टू ठीक है तो ये हो गया निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है टू आया भाई कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है देखो क्लोरीन कितने हैं फोर हैं मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ आया फोर अब चेक करना है हाइब्रिडाइजेशन तो हाइब्रिडाइजेशन किसका निकालना है शुरू हो जाते हैं एन आई सी एल का होल फोर माइनस टू इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया प्लस टू आया था निकल कितना नंबर होता है ट्वेंटी एट ठीक है इतनी बात ट्वेंटी एट के लिए होता है थ्री डी एट फोर एस टू तो फिर इसको लिखो ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव एस टू ये है थ्री डी एट फोर एस टू फोर पी जीरो ठीक है अब आगे देखो क्या करना है ये एट इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इसमें करने हैं टू इलेक्ट्रॉन्स फिल हमने कर दिए अब क्या इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी चेक करते हैं पहले तो इसमें से प्लस टू है इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब दो इलेक्ट्रॉन तो यहां से जाएंगे बाहर जो आउटर मोस्ट है सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ठीक है अब ये जो थ्री डी एट फोर एस टू है इसमें चेक करना है क्या इनकी पेयरिंग होगी तो बात सुनो अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आयोडीन और वाटर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और वाटर अगर हमें गिवन है एज अ लिगेंड तो पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि ये क्या होते हैं वीक फील्ड कैंड होते हैं ठीक है तो यहाँ पेयरिंग नहीं होगी कोई बात नहीं नहीं होगी तो हमें कितने ऑर्बिटल्स खाली चाहिए भाई फोर ऑर्बिटल्स खाली चाहिए तो वो ऑर्बिटल्स तो हम अभी ढूंढते हैं कहाँ पे फोर ऑर्बिटल्स हमें खाली मिलेंगे ये हो गया थ्री डी एट अब देखो फोर एस खाली हो गया ठीक है और फोर पी तो ऑलरेडी क्या था खाली ही था वैकेंट ही था तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक क्या आ जाएगा क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा ठीक है ये क्या है S, एक क्लोरीन यहाँ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। मतलब पी थ्री तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया एफ पी थ्री अब हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल लिया और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमने निकाल लिया साथ में ज्योमेट्री भी हमें पता है एस थ्री के लिए ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल तो सारी चीजें लिखते हैं ठीक है हाइब्रिडाइजेशन क्या निकला भाई एस थ्री और एस थ्री के साथ ज्योमेट्री जो हमारी आती है वो आती है टेट्रा हैड्रल. ठीक है मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा लगाओ फॉर्मूला अंडर रूट एन एन प्लस टू अब यहां देखो क्या हमारे पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है हाँ भाई इस बार तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा अंडर रूट एन एन प्लस टू एन कितना है टू तो मैंने रख दिया भाई टू तो कितना आ जाएगा ये अंडर रूट का एट ये आ गया मेरे पास मैग्नेटिक मूवमेंट अब तुम एक सीकेट बात बताऊं मेरे को अंडर रूट एट कैलकुलेट करना नहीं आता पर मुझे यह पता है कि यहां पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है टू मतलब अंडरुट एट की वैल्यू पता है क्या आएगी टू पॉइंट कितनी आएगी पता है फाइव से नाइन के बीच में आएगी अब यकीन नहीं है ना तो कैलकुलेटर चेक करके देख लेना तो मैंने मान लिया भाई ये आई टू पॉइंट फाइव ठीक है तो मेरा एग्जामिनर बिल्कुल ही आंसर गलत करने वाला नहीं है अगर मैं अंडर रूट एट लिख दूंगी तब भी गलत नहीं होगा और टू पॉइंट फाइव सिक्स लिख दूंगी तब भी गलत नहीं होगा पर आपको क्या नहीं करना वन से लेके फोर तक ये वैल्यूज यहाँ पे नहीं रखनी क्यों नहीं रखनी वो मैं आपको बताती हूँ सुनो अगर आपको क्वेश्चन में मैग्नेटिक मूवमेंट दे दिया जाए फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसे आ जाए एक्स स्पीसीज गिवन है कोई भी जैसे मान लो मैं क्वेश्चन देती हूं एनी एक्स स्पीसीज इज गिवन ठीक है अब ये जो आपकी एक्स स्पीसीज है इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आपको दे रखा है थ्री पॉइंट सेवन फोर ठीक है नाउ आपको क्या बताना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ठीक है अब कैसे करोगे आपको सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट पता है और वेल ये भी नहीं पता एक्स क्या है अगर एक्स पता होता तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते लेकिन कोई बात नहीं हमें मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला तो आता है ना मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस टू अब हम क्या करेंगे अरे मैम इतना तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से हम एन की वैल्यू बता देंगे और जो भी एन की वैल्यू आएगी हम बता देंगे इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इतने आएंगे अरे भाई तुम मैथ्स वाले बच्चे हो बायो वाले बच्चे भी तो इसको पढ़ रहे हैं क्या सबको ये कैलकुलेशन सॉल्व हो पाएगी और पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ए की थोड़ी आएगा तो इसके लिए क्या है अगर आपकी वैल्यू जो भी वैल्यू यहाँ पे गिवन है पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद अगर डिजिट्स वन से फोर के बीच में गिवन है तो क्या होगा देखो जैसे मैंने दिया है थ्री पॉइंट सेवन इसका मतलब ये वैल्यू वन से फोर से ज्यादा है ठीक है मतलब अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन फोर होगी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन पता है कितने होंगे जितने इस पॉइंट से आगे गिवन है मतलब इसमें मैं बता दूंगी बिना कैलकुलेशन के कि एन की वैल्यू आएगी भाई थ्री थ्री अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और अगर मैं आपको क्वेश्चन में देती थ्री पॉइंट वन टू तो यहाँ पे एन की वैल्यू पता है क्या आएगी है? टू क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन इस बार कितने आएंगे लेस देन दिस डिजिट यहाँ पे कितना है थ्री पर इसके बाद दे रखा है वन तो एन की वैल्यू एक कम हो जाएगी क्लियर है तो मैग्नेटिक मोमेंट से ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है तो आगे हम देखते हैं हमने एक क्वेश्चन कैलकुलेट किया मैग्नेटिक मोमेंट हमारा आया रूट एट तो हमने बताया भाई यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.5 या फिर इतनी टेंशन की जरूरत नहीं है हम यहाँ पे अंडर रूट अगर एट लिख भी देंगे ना तो कोई भी मार्क्स नहीं काटेगा ठीक है अब एन की वैल्यू कुछ है मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ आया है तो इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक पैरा मैग्नेटिक तो ये सारी चीजें अब हमने पढ़ ली बहुत अच्छे से हमें सारी चीजें कैलकुलेट करना आ गया ठीक है एक दो एग्जाम्पल ऑल सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास है एन आई एन एच थ्री का होल सिक्स प्लस टू अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स एन एच थ्री कैसा है लिगेंड है पहला काम तो है आई यू पी एस सी लिखना चलो लिखते हैं अमीन है अमीन निकल अब इसका कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा भाई टू क्योंकि अमीन तो एक न्यूट्रल लिगेंड है और सिर्फ प्लस टू चार्ज गिवन है तो प्लस टू ही आ जाएगा ठीक है ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया भाई टू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है सिक्स हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो बहुत सिंपल है तो निकाले हाइब्रिडाइजेशन चलो एन आई एन एच थ्री का होल सिक्स प्लस टू तो ये हो जाएगा ट्वेंटी एट और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है थ्री डी एट फोर एस टू तो बनाओ अब इसको टेबल में वन टू थ्री फोर फाइव थ्री डी एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और ये है टू इलेक्ट्रॉन्स जो कि फोर एस टू में आएंगे और यहां पे भाई फोर पी जो कि वैकेंट है ठीक है टू इलेक्ट्रॉन्स उड़ाने हैं बिल्कुल उड़ाने हैं इसमें पूछने वाली बात कोई नहीं है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस टू अब बात है आगे की क्या इनमें पेयरिंग होगी नहीं क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन भी नहीं है क्लोरीन भी नहीं है ब्रोमीन भी नहीं है आयोडीन भी नहीं है और वाटर भी नहीं है तो पेयरिंग तो नहीं करनी ठीक है तो ये तो रहेगा भाई एज इट इज ठीक है चलो इसको लिख दो एज इट इज ये हो गया थ्री डी एट अब जो हमारे पास वैकेंट है वो क्या है फोर एज जीरो फोर पी जीरो और फोर डी जीरो सारे हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है ठीक है बिल्कुल ठीक है अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दे रखा है क्वेश्चन में भाई सिक्स इसका मतलब इस बार हमें कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए सिक्स वैकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए तो शुरू हो जाते हैं पहला तो हो जाएगा भाई एक एमोनिया यहाँ पे आ जाएगा एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे यहाँ पे, पे और यहाँ पे मतलब एक एस में आ जाएगा तीन पी में आ जाएंगे और दो आ जाएंगे डी में sp3d2 पी थ्री डी टू और ये हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 पी थ्री डी टू के लिए जोमेट्री हम पढ़ के आए हैं कौन सी जोमेट्री होती है ऑक्टा हेड्रल तो sp3d2 पी थ्री डी टू लिख दे इसका हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल तो ये हो गया भाई एस पी थ्री डी टू ऑक्टा हेड्रल मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आएगा इसका मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए क्या चेक करेंगे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने आए थे भाई टू आए थे अभी अभी कैलकुलेट किया था जब मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आया अनपेड टू इलेक्ट्रॉन के लिए अंडर रूट एट ठीक है वापस निकालने की जरूरत है कौन सा फॉर्मूला लगाया अंडर उट एन एन प्लस टू तो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एट क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ आया है तो मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा पैरा पैरा मैग्नेटिक क्या ये एग्जाम्पल हमने अच्छे से समझ लिया बिल्कुल अब मैम आप कितने एग्जाम्पल दे दो हम तो ऐसे यू कर देंगे चाहे आप हाइब्रिडाइजेशन पूछ लो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक नेचर हम सब कर देंगे चुटकियों में ठीक है अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ बीबीटी की अब देखो जो भी चीज़ें आई है ना जितनी भी थ्योरीज अभी तक दुनिया में है सबकी लिमिटेशंस हैं और जिनकी लिमिटेशंस नहीं आई ना वो थ्योरीज है जो चल रही है अगर तुम उनकी लिमिटेशंस बता दोगे तो भाई तुम्हारे नाम पे थ्योरी आ जाएगी और जो थ्योरी चल रही है वो हो जाएगी फेल तो बीबीटी की भी कुछ लिमिटेशंस आई थी कौन कौन सी थी और बीबीटी की लिमिटेशंस से क्वेश्चन पूछता है देखो इनवॉल नंबर ऑफ एज्शन इसने बहुत सारी एज्यूम्पन्स को सोच के बैठ रखा था डज नॉट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट अब इसने ना कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं किया सिर्फ बता दिया हा एसपी थ्री डी टू है तो ऑक्टा हाइड्रल होगा एस पी थ्री है तो टाइट्रा हाइड्रल होगा क्यों होगा ये इसको नहीं पता था ठीक है डज नॉट गिव द द्विटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा क्या बोल रहा है भाई ये क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन उसने मैग्नेटिक डेटा के बारे में नहीं दी थी मतलब उसने बोला अंडर रूट एन एन प्लस टू लगा दो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन रख दो और ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी मैग्नेटिक डेटा होगा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा पर इसको उसने अच्छे से क्वांटिलाइज नहीं किया था डज नॉट डिस्टिंगश प्रॉपरली बिटवीन स्ट्रांग फील्ड एंड वीक फील्ड गैन ये जो मैंने आपको चीज बताई थी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है ये वीक फील्ड है मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि कैसे निकालना है पर मैंने यह अभी तक आपको नहीं समझाया है कि कौन सा होता है और कौन तब हम इसको पढ़ेंगे लेकिन गलत हो जाता ना अगर हम वहां पे नहीं सीखते तो इसीलिए इसने इस सब के बारे में बात नहीं की उसने बोल दिया लेगेंड होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं वीक फील्ड होते हैं उसने स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड की बात नहीं की थी डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रोडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड ज्योमेट्री उसने स्क्वायर प्लेनर जोमेट्री और टेट्राहेड्रल जोमेट्री ज्योमेट्री को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया और किसके पास होती है जिनके पास कोऑर्डिनेशन नंबर फोर होगा उनके पास ही दोनों ज्योमेट्री होती हैं और इसको बीबीटी ने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया अब यहाँ पे ये सारी बातें हमने कर ली भाई बी के बारे में अब मेरे को लगता है बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं बी को लेके इसलिए इसीलिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए पढ़ते रहिए और भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए थैंक यू